हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मुझे ना इस स्टोरी में ना हर एक वीडियो में ना 5 कमेंट्स आने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लिखूंगी। हर एक पार्ट में मुझे ना सिर्फ 5 कमेंट चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और चलो स्टोरी को स्टार्ट करें। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ये होता है कि अभी वंग चिंग ना विंटर बार में सोच रहा था। तो अभी हम लोग ना फ्लैश बैक में जाएंगे। तो यह नबी विंग ना शिंग शिंग को ना उसके प्ले स्कूल से वो ना भी घर लेके आ रहा था। वो लोग ना चलते वापस आ रहे थे। तब शिंग शिंग ना भी विंग को पूछते कि मुझे आइसक्रीम खाने का है, मुझे खिलाओ ना। बोल के वो ना भी विंग को ना पूछते। तो विंग ना बोलते कि नहीं, जिन साहब मुझे डांटेंगे। बोल के वो ना बोलता है। तो शिंग शिंग बोलते कि प्लीज़ विंग मुझे खिलाओ ना, मेरी मम्मी नहीं खिलाती है, तो तुम खिलाओ ना। बोल के वो ना भी मनाने लगती है। तो विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा ये वो ठीक नहीं है। बोल के वो ना बोलता है। तो शिंग शिंग बोलते कि प्लीज़ बोल के वो ना बोलती है। तो विंग बोलते कि ठीक है, बट ये लास्ट टाइम है, फिर इसके बाद मैं नहीं खिलाऊंगा। बोल के बोलता है। तो शिंग शिंग बोलते कि ठीक है प्लीज़ खिला दो ना। बोल के बोलती है। तो विंग ना ठीक है बोल के उसको ना भी लेके देता है। फिर वो ना भी छोटा सा कप लेने वाला था। तो शिंग शिंग बोलते कि नहीं 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 मुझे छोटा सा आइसक्रीम कप नहीं चाहिए, मुझे ना बड़ा वाला कोन वाला आइसक्रीम चाहिए। बोल के बोलता है बोलती है। तो विंग बोलता कि बड़ा वाला नहीं, तुम्हें सर्दी हो जाएगा। बोल के बोलता है। तो शिंग शिंग बोलते कि प्लीज़ 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 लास्ट टाइम। बोल के वो ना बोलती है। तो विंग बोलते कि ठीक है बोल के वो ना भी खरीद के वो ना भी देता है। तो शिंग शिंग ने पकड़ लेती है। फिर विंग बोलता है कि तुम ना यहीं पर इस बैठो, मैं ना अंदर जाकर कॉफ़ी लेकर आऊँगा, तो तुम ना यहीं पर इस बैठो। बोल के बोलता है। तो शिंग शिंग ना ठीक है बोल के वो ना भी आइसक्रीम को पकड़ के वो ना बैठ जाती है। तो विंग ना अंदर चल जाता है। तो शिंग शिंग ना भी आइसक्रीम को पकड़ के वो ना बैठन से थी। विंग आने के बाद खाएंगे बोल के वो ना भी ऐसे बैठन से थी और सबको देख रही थी। तो सभी लोग ना कपल्स बैठन से थे, थोड़े फ्रेंड्स बैठन से थे, ऐसे टेबल के बाजू में टेबल्स थे, तो वहाँ ना भी सभी लोग ना बैठन से थे। तो शिंग शिंग ना भी अकेले वो ना भी बैठ के वो ना आइसक्रीम को देख रही थी। तो वहाँ ना भी 5 लड़के थे। फिर शिंग शिंग के पास से उसमें से एक लड़का ना आइसक्रीम ना ले लेता है। तो शिंग शिंग ना भी उनको देखती है। तो वो लड़का ना भी उनमें से ग्रुप में से एक लड़के को देता है पकड़ो बोल के। तो वो ना भी पकड़ लेता है। तो यह ना भी वो लड़का बोलता है कि हाँ तुम आइसक्रीम क्यों देख रही हो, आइसक्रीम देखने के लिए नहीं खाने के लिए, बोल के वो ना बोलता है। तो शिंग शिंग बोलती है कि मुझे मालूम है, मैं मेरे दोस्त के लिए रुक रही हूँ, तो तुम मुझे मेरे आइसक्रीम दे दो, बोल के वो ना बोलती है। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा इतना गुस्सा, बोल के वो ना पूछता है। तो शिंग शिंग बोलते कि हाँ मुझे मेरी आइसक्रीम दो, बोल के वो ना भी थोड़े गुस्से में बोलते हैं। तो वो लड़का ना भी बोलता है कि ठीक है बोल के वो ना भी पकड़ता है। तो वो कौन आइसक्रीम पकड़ना चाहता था वो ना खाना भी शुरू कर दिया था आइसक्रीम को। तो शिंग शिंग देखती है। तो वो लड़का पूछता है कि अच्छा तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, तो ले बोल के वो ना भी आइसक्रीम को ना दे देता है। तो शिंग शिंग बोलते कि ठीक मुझे नहीं चाहिए, तुम ईच खा लो, बोल के वो ना बोलती है। तो वो लड़का ना ठीक है बोल के वो ना आइसक्रीम को ना खाने लगता है। तो उन लोगों का बॉस वो ना बोलता है कि अरे तुमने ये आइसक्रीम क्यों खा लिया, मैंने तो उसके साथ ऐसे मजाक कर रहा था, तुमने क्यों खा लिया उसका आइसक्रीम, बोल के वो ना पूछते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि आपने मुझे आइसक्रीम दिया तो मैं सोचा था कि खा लूँ, तो खा रहा हूँ, बोल के वो ना भी खाने लगते हैं। तो वो लोग ने भी ठीक है बोल के वो लोग ने भी बाजू में साइड में जाके वो लोग ना बैठ जाते हैं। तो ये ना भी शिंग शिंग ना उतर जाती है। फिर वो ना भी विंग के पास ना चल जाती है। वो ना भी रोड़ो सा मुँह लगा के वो ना भी विंग के पास जाती है। विंग ना पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा आइसक्रीम खा गए, तुमने इतनी जल्दी खा लिया, बोल के वो ना पूछता है। तो शिंग शिंग बोलते कि नहीं वो लोग बुरे लड़के मेरी आइसक्रीम खा लिए, बोल के वो ना बोलती है। तो विंग बोलता है कि क्या किसने खा लिया, बोल के वो ना पूछता है। तो शिंग शिंग बोलती कि वो मैं लेके जाती हूँ, बोल के वो ना भी हाथ पकड़ के उसके ना विंग का लेके जाती है। फिर बोलती कि देखो इन्होंने मेरा आइसक्रीम छीन लिया और इन्होंने मेरा आइसक्रीम खा लिया, बोल के वो ना बोलती है। तो विंग ना उन लोगों के सामने जाता है। फिर बोलता है कि तुम दोनों हाँ इतना भी शर्म नहीं है क्या, एक छोटे से बच्चे के पास से आइसक्रीम लेके खा लिए, बोल के वो ना बोलती है, बोलता है। तो उनका बॉस ना भी उठ के विंग के पास आता है। फिर बोलता है कि हाँ क्या हुआ, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तो ये रो रही, मैं क्या करूँ, बोल के वो ना बोलता है। तो विंग बोलता है कि क्या एक छोटे से बच्चे से तुम लोग मजाक कर रहे थे, बोल के वो ना पूछता है।
तो किसने आइसक्रीम खाया वो आता है, फिर बोलता है कि अच्छा अच्छा ये सब छोड़ दो, ये लो आइसक्रीम के पैसे और जाके खा लो बोल के। वो ना भी विंग को ना आइसक्रीम के पैसे ना देता है, तो विंग ना पैसे को देख रहा था, तो वो उनका बॉस ना भी विंग के कंधे के ऊपर ना हाथ लगाते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ ले लो चल जाओ यहाँ से, गुस्सा मत हो बोल के बोलता है। तो विंग ना उन पैसों को देखता है, फिर उनके बॉस को देखता है, फिर पैसे उनको ले लेता है, फिर बोलता है कि ठीक है बोल के वो ना भी जाता है। फिर वो ना भी आइसक्रीम खरीद के छिंग छिंग को ना भी बिठा के वो बोलता है कि तुम ना यहाँ बैठ के आराम से खाओ और मज़े रहो बोल के वो ना बोलता है। तो छिंग छिंग ना ठीक है बोल के वो ना भी बैठ जाती है। तो ये ना भी मीन ना फिर से उन 500 के पास वो ना आके वो ना ठहर जाता है। तो वो 500 ना भी बैठ के वो लोग ना अभी खाते वो लोग ना बात कर रहे थे, तो मीन ना ठहर के उन लोगों को देख रहा था, बस देख रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो उनका बॉस बोलता है कि अबे क्या हुआ तुम्हें बोलो क्या हुआ बोल के वो ना भी पूछता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो बोल के वो ना पूछते हैं। तो वो भी बोलते कि कुछ नहीं, अभी तक तुम लोग ने पैसे दिए ना मैं थैंक्स बोलना भूल गया हूँ, तो मुझे थैंक्स बोलने का है बोल के वो बोलता है। तो उसका बॉस बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है बोल के वो ना भी किसने आइसक्रीम खाया उसको बोलता है कि उससे बात कर लो बोल के वो ना बोलता है। तो वो ना भी ठहर जाता है, फिर विंग के पास जाते बोलता है कि ए थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है तुम जाओ बोल के वो ना बोलता है। तो विंग बोलता है कि ओ हाँ थैंक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है बोल के विंग ना भी उसके पाँव को ना मारता है, तो वो ना भी नीचे गिर जाता है। तो उसका बॉस ना भी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो बोल के वो ना बोलता है। तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं मैं ना इससे जस्ट मैनर्स सिखा रहा हूँ बोल के वो उसका फेस ना पकड़ लेता है। फिर बोलता है कि तुम मुझे पैसे दो के मुझे यहाँ से भगाने की सोच रहे थे बोल के वो ना बोलता है। तो वो लड़का बोलता है कि पाँव पकड़ के बोलता है कि तुम तुम्हें मैंने पैसे दे दिए ना तुम्हें अभी क्या प्रॉब्लम है बोल के वो ना पूछता है। तो विंग ना भी उसका फेस पकड़ के वो ना भी टर्न कर देता है, फिर उसको ना छोड़ के देता है। फिर बोलता है कि मुझे ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने सोचा था कि तुम माफ़ी मांग लोगे तो मैं सॉर्ट ऑफ कर दूँ, पर तुम मुझे पैसे दे के मुझे यहाँ से जाने का सोच रहे थे बोल के बोलता है। तो वो लड़का था गला पकड़ के उन्हें बैठ जाता है कि गला दुख रहा है बोल के। तो उनका बॉस ना उठ जाता है, फिर बोलता है कि ए तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ क्यों लड़ाई करने का सोच रहे हो बोल के बोलता है। तो विंग बोलते हैं कि मैं ना लड़ाई करने का कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मुझे ना जस्ट आप जैसे घमंडी अल्फास को देखे थे ना मुझे ना गुस्सा आता है, मुझे ना अंदर ही अंदर ना खून ना उबलने लगता है बोल के वो ना बोलता है। उनका बॉस बोलता है कि तो क्या तुम्हें अभी हमसे लड़ने का है, तुम एक ओमेगा हो और तुम्हारे हद में रहो बोल के बोलता है। तो मीन तो अभी ना बस उसको एक सबक सिखा के वो ना चल जाने का सोच रहा था, पर अभी उन लोगों का बॉस ने ऐसा बोल दिया है। तो विंग ना भी उन लोगों को ना अभी छोड़ने का मन ही नहीं होता है। तो विंग बोलता है कि ओ सॉरी 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 मैं तुम भूल गया कि मैं एक ही थूमेगा हूँ और आप लोग 5 जने हो अल्फास बोल के उन्हें भी नाटक करने लगता है। तो वो बोलता है कि मुझे पहले में तुम यहाँ से जाओ बोल के उन्हें भी हाथ निकाल के वो ना जाने को बोलता है। तो विंग ना भी उसका हाथ ना पकड़ लेता है, फिर पूरा हाथ ना मोड़ देता है। तो उनका बॉस ने बोलता है कि क्या करो बोल के वो ना भी घूमने लगता है। तो विंग बोलता है कि मुझे ना कोई भी ऐसे भद्दे अल्फास मुझे ना पसंद नहीं, मैंने ना बहुत सारे लाइफ में ना बहुत सारे अल्फास देखे तुम्हारे तरह बोल के उन्हें भी उसका हाथ ना छोड़ देता है। तो वो बॉस का हाथ ना बहुत ही बुरी तरीके से विंग ने ना मोड़ दिया था। तो वो बॉस ना भी साइड होता था, वो ना भी विंग को ना गुस्से में देख रहा था। वो ना भी उन लोगों के टीम में चले थे ना 3 जने और 3 जने बच गए थे ना, उन लोगों को बोलता है कि अभी जाके इसको मारो बोल के वो ना बोलता है। तो वो 3 भी ना उड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ अभी बोलो तुम एक एक जने को ऐसे चुटकियों में ख़त्म करे, पर अभी हम लोग 3 हो और तुम एक हो तो क्या करोगे बोल के वो ना बोलता है। तो विंग बोलता है कि हफ अभी तुम 3 को मैं ना एक ही साथ मारने वाला हूँ बोल के बोलता है। तो 3 भी ना शॉकिंगली विंग को देखते हैं। तो विंग ना भी बोलता है कि तुम लोग ना बस 1 मिनट रुको मैं ना अभी ऐसे जाके ऐसे आऊँगा बोल के बोलता है। तो वो लोग ना भी शॉक में स्थित है। तो विंग ना भी साइड में जाता है, फिर कुछ बात करता है और वहाँ के शॉप के ओनर से, फिर वहाँ से एक बड़ा सा रॉड ना पकड़ के वो ना लेके आ रहा था। तो वो लोग ने भी डर के मारे वहाँ से ना एक दिन ना भाग ही जाता है और एक दिन ना डर के मारे वो ना टेबल के नीचे ना छुप जाता है। तो वहाँ ना एक दिन बचा था।
तो विंग बोलता है कि हाय तुम अकेले हो, तुम्हारे तो टीममेट्स तो भाग गए, कहाँ भाग गए, मुझे दिख रहे भी नहीं, बोल के बोलता है। तो वह बोलता है कि तुम बहुत ही पागल हो लगता है, तुम यहाँ से जाओ, हम लोग माफ़ कर दिए, तुम जा सकते हो, बोल के बोलता है। तो विंग में भी उसका ना एक जोरदार उसके एक फॉर्म में ना मारता है, उन्होंने देखी क्या समझ रहे, तुम मुझे छोड़ोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि वो नबी फिर से वो नबी उसके पीठ के ऊपर ना मारता है, तो वो नबी नीचे गिर जाता है। तो उनका बॉस ना भी उठ के आता है, बोलता है कि तुम क्या पागल हो, हमने तुम्हारा क्या बिगड़ा है, तुम्हें अभी हमने आइसक्रीम का पैसा भी दे दिया है, तो तुम हमें क्यों मारे, बोल के बोलता है। तो विंग नबी एक क्वेश्चन ही लुक उसके फेस में ना लगाता है। तो वो बॉस ने भी विंग को देख रहा था, तो यह ना अभी वांगचिंग ने ना हॉस्पिटल से उसने ना छुट्टी ले लिया था एक दिन के लिए। तो उन्होंने भी मजीम में वो ना भी ऐसे वो ना घूम रहा था, तो उन्होंने भी भीड़ देखता है, बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो उन्होंने भी जाके वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, बिल्कुल उन्हें भी जाके देखता है, एक एक्साइटमेंट रहता है ना क्या हो रहा बोल के, तो उन्हें जाके देखता है। फिर बाजू में ना एक लड़का थरंस था, तो उन्हें भी पूछते कि यार क्या चल रहा, बल्कि उन्हें पूछता है। तो वो लड़का ना भी बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, वो एक ओमेगा है, वो ना आके वो पांचों अल्फास को ना मारने लग गया, क्यों मार रहा है किसी को भी नहीं मालूम, क्यों बोलता है। तो वांग जी बोलते कि सच्ची ऐसे विद्या रीजन का मार रहा है, बल्कि वो ना पूछता है। तो वो लड़का बोलते कि इसने बस आया और मारना शुरू कर दिया, बल्कि बोलता है। तो वांग जी बोलते कि अच्छा, बल्कि बोलता है। तो बाजू का लड़का बोलता है कि अरे तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, वो ओमेगा का ना एक दोस्त है, उसका ना आइसक्रीम चुरा के इन लोगों ने खा लिया, तो वो ना आके पीट रहा है, बल्कि बोलता है। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा इसलिए वो पीट रहा है, बिल्कुल ना बोलता है। तो वांग जी ना विंग को इस देख रहा था कि विंग कैसे सभी को ना पीट रहा, ज़बरदस्त वो ना भी सभी को ना पीट रहा था। तो अभी ना विंग के सामने ना उन लोगों का बॉस आके ठहरता है। तो तब इसने भी चेयर के नीचे में से वो लड़का ना उठता है, फिर उठने के बाद इस वो ना भी उसके टेबल के ऊपर ना भी एक कांच का बॉटल था, तो वो ना भी लेके वो ना भी विंग को ना मारने के लिए पीछे से हमला करने के लिए वो ना जा रहा था, तब इसने वांग सिंह ने उसका हाथ ना पकड़ लेता है। तो विंग ना भी उसके बॉस को ना भी एक मुक्का ना मार देता है उसके फेस के ऊपर, फिर वो ना भी कुछ साउंड सुन के वो ना भी पलटता है, फिर वो देखता है कि वांग सिंह ने ना वो लड़के का ना हाथ पकड़ लिया था। तो वांग सिंह को ना भी विंग देखते हुए बोलता है कि हाय तुम कितने हैंडसम हो और तुमने मेरी जान बचा दी, थैंक यू सो मच, बोल के आता है। तो वांग सिंह ना हाँ बोल के उन्हें भी कुछ भी नहीं बोला था। तो विंग ना वो लड़के का हाथ पकड़ लेता है, तो वांग सिंह ना वो लड़के का हाथ ना छोड़ देता है। तो विंग ने भी वो लड़के का हाथ को पकड़ के उसके हाथ से उसका बॉटल ना उसके सर के ऊपर ना मार देता है। तो उसके सर से ना वहाँ से ना खून निकल रहा था, या ना विंग का हाथ ना थोड़ा बहुत कट गया था, वो कांच आके विंग के हाथ में ना लग गया था। तो विंग बोलता कि हश तुम्हारे वजह से, देखो तो मेरा हाथ कट गया, बल्कि वो ना दिखाता है, फिर बोलता है कि उफ मेरा हाथ दुख रहा है, बल्कि वो ना बोलता है। तो वांग जिंग ना हाथ पकड़ लेता है, फिर वो ना हाथ को ना देखने लगता है। तो विंग ना वांग जिंग को ऐसे देख रहा था, तो वांग जिंग ना उसका हाथ पकड़ के वो ना भी लेके देखे एक जगह, वो ना बैठ के उसको ना ट्रीटमेंट करने लग जाता है, वो ना पट्टी बांधने लगता है। तो विंग ना बोलने लगता है कि अरे अरे इतना छोटा सा छोटा है और तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, उन लोगों का नहीं, बोल के उन्हें भी उन चारों को देखता है। तो वो लोग ना भी बहुत बुरी तरीके से वो लोग ना पीट के वो लोग ना उधर उधर पड़न से थे, तो विंग ना उन लोगों को देखता है। तो है ना वांग जिंग ना विंग के हाथ में पट्टी बांधने में वो ना कॉन्सेंट्रेशन कर रहा था। तो विंग बोलते कि हाय तुम कितने अच्छे हो, बोल के बोलता है। तो वांग जिंग ना पट्टी ना बांध देता है, फिर वो बोलता है कि हाँ अभी तुम्हारा हाथ ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि बोलता है। तो विंग बोलता है कि हाय थैंक्स, तुम्हें ना इन लोगों का कोई भी फिक्र नहीं, मेरा ही फिक्र है ना, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, मेरा जान भी बचा दी है, बल्कि उन्होंने भी विंग ना भी वांग जिंग को ना बोला था। तो वांग जिंग ना भी उठ जाता है, फिर बोलता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने वहाँ से ना जाने लगता है। तो विंग बोलता है कि मैं ना आपसे शादी करूँगा पक्का, बल्कि बोलता है। तो वांग जिंग ना वहाँ से ना चल जाता है। तो विंग ना भी उन सभी को ना चारों की तरफ ना पलता है, फिर बोलता है कि ओह देखो तो तुम लोगों का हालत पर और एक बंदा ना बच गया,
उसको भी मुझे ना पीटने का था बोल के बोलता है। तो उनमें से ना एक लड़का ना भी पूछता है कि अरे तुम हमें क्यों मारे हो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे, बोल के वो ना पूछता है। तो विंग ना बोलता है कि तुम लोग खुद याद करो तुमने क्या बात करा था मैं जाने के बाद, बोल के वो बोलता है। फिर उठ के वो ना भी जॉब में से वो ना पैसे निकालता है, फिर उन लोग के ऊपर ना फेंकता है, फिर बोलता है, फिर बोलता है कि ये लो तुम्हारा हॉस्पिटल का खर्चा, बोल के वो ना वहाँ से ना जाता है। फिर शिंग शिंग को लेके वहाँ से ना वो ना घर से चल जाता है। तो उनमें से एक टीममेट था ना वो ना वापस आ जाता है, पूरा शांत होने के बाद वो ना आता है, फिर सभी को देखता है। तो वो चारों ना भी उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि तुम हमें ऐसे छोड़ के कैसे भाग सकते हो, बल्कि वो लोग ना भी चिल्ला रहे थे। तो वो ना बोलता कि अच्छा अच्छा ठीक है आपको मैं हॉस्पिटल को लेके जाना पड़ेगा ना, बल्कि उन्होंने भी उन लोगों ना भी हॉस्पिटल को लेके जाता है। तो ये ना भी वांग जिंग तो उसका छुट्टी इंजॉय करेंगे सोच रहा था, पर उसको ना कॉल आता है कि अर्जेंट है तो आप आओ, बल्कि वो उसको ना कॉल आता है। तो वांग जिंग ना आके उन लोगों को देखता है, फिर वो सोचते हैं कि आज शाम को मैंने इन लोगों का ही देखा था, इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है, बल्कि उन्होंने भी उन लोगों को ना देखता है। फिर उन लोगों को ना भी एक एक डॉक्टर ना पट्टी ना बांध देता है। फिर वांग जिंग ना अभी देखता है कि सभी का पट्टी हो गया, बल्कि तो सभी लोगों को ना भी वांग जिंग ना याद था। तो उनका बॉस ना बोलता है कि तुम उससे इस मिलन से हो ना, तुम बस हमें नाटक कर रहे हो ना डॉक्टर होने का, बोल के वो ना बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि अरे यार मैं डॉक्टर हूँ सच्ची का, बोल के बोलता है। तो वो बॉस बोलता है कि अच्छा तुम डॉक्टर हो, तो हमें इतना बुरी तरीके से वो ओमेगा ने पिट गया, हमें पहचानने के सिवा तुमने उसका पट्टी करा, बोल के बोलता है। तो वांग जिंग ना हाँ बिल्कुल अभी यहाँ मानना देखने लगते हैं। तो वो बॉस बोलता है कि अरे बोलो, बोल के बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि वो सब छोड़ो, तुम लोग बोलो उसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से क्यों पीटा, बल्कि वो ना पूछता है। तो उन लोग का बॉस ने भी कुछ भी नहीं बोलता कि बल्कि वो ना भी यहाँ मानना देखने लगते हैं। तो वांग जिंग ने भी बाजू में एक लड़का था तो उसको पूछता है कि तुम बोलो, ये तो बोलने वाला नहीं, तुम बोलो, बल्कि बोलता है। तो वो भी ना ऑकवर्डली हंसने लगता है। तो वांग जिंग ने भी 500 को देखता है। तो एक लड़का तो ठीक ठाक था, वो भी ना यहाँ वहाँ देख रहा था। तो वांग जिंग को ना समझ में आ जाता है कि इन लोग ने कुछ किया है, बल्कि उसको ना समझ में आ जाता है। फिर बोलता है कि ठीक है अच्छा हुआ तुम्हारा हालत, बल्कि वो ना भी वहाँ से ना चल जाता है। नेक्स्ट डे ना भी वांग जिंग ना वही रोड में से वो ना भी चलते हुए वो ना जा रहा था। तो वहाँ ना विंग ना मिल जाता है। तो वांग जिंग तो एकदम डर जाता है कि ये कहाँ से आ गया, बल्कि वो ना डर जाता है। तो विंग ना भी वांग जिंग के उसने देखता है, फिर बोलता है कि है तुम मुझे ना सच्ची में पसंद आ गए, मुझे ना कल रात नींद नहीं आया सच्ची, बोल के बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, बोल के वो ना भी सामने सामने चलने लगता है। तो ना भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर बोलते कि अरे तुम अल्फा ही थो ना, बोल के पूछते हैं। तो वांग जिंग बोलता है कि हाँ, बोल के बोलता है। तो विंग बोलता कि अरे तो तुम बात करो ना, तुम लड़के के जैसे क्यों शर्मा रहे हो, बोल के वो ना भी वांग जिंग के पीछे वो ना चलने लगते हैं। तो वांग जिंग बोलता कि तुम मुझे ना ठीक नहीं लगते हो, बोल के बोलता है। तो विंग ने भी दिल के ऊपर हाथ लगा देते हैं। फिर बोलते कि हाय इतनी बुरी बुरी बात है, इससे भी ज़्यादा बुरी बात मैंने ना सुन लिया है, तो छोड़ दो वो बातें हाँ, और अभी हम दोनों बस ये बात करेंगे कि हम लोग कब शादी करेंगे, बोल के वो ना पूछते हैं। तो वांग जिंग ने रुक जाता है, फिर बोलता है कि शादी, बोल के उन्हें भी विंग को देखता है। तो विंग बोलता है कि हाँ शादी, मुझे ना तुम पसंद आ गए तो मैं ना तुमसे शादी करूँगा, तुम ना बस एक साल रुको मेरी ना स्टडीज ना ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग ना शादी करेंगे, बोल के बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि अरे 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 तुम शादी तलक क्यों चल गए, बोल के वो पूछते हैं। तो विंग बोलता है कि अरे तुमने मुझे ना कल बचाया है, मेरा सर फूट जाता था तो मुझे ना कोई पसंद नहीं करता था, मैं बोलता था अजीब दिखता था, मैं सोचे तो इस मुझे ना सर घूम रहा है, तो वो ना तुम छोड़ दो पर मुझे ना तुम पसंद भी आ गए तो मैं ना तुमसे शादी करूँगा, तुमने मेरे जान बचाया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्या, बल्कि वो ना बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि बोल के वो ना भी महायान देखने लगता है। फिर वांग जिंग बोलता है कि वो देखो तुम्हारे पीछे कौन है, बोल के वो बोलता है। तो विंग ना भी पलटता है कि कौन है, बोल के वो ना पलटता है। तो वो ना कोई भी नहीं था। तो विंग बोलता है कि तुम क्या मुझे छोटे बच्चे समझे क्या, बोल के वो ना पलट के देखता है। तो वांग जिंग ना वहाँ से ना भाग देता है। तो विंग बोलता है कि ये आज गया, मैं ना इसको ना ढूंढूंगा, बोल के वो ना भी सामने की तरफ ना चल जाता है। तो वांग जिंग ना भी
बाहर आता है, फिर बोलता है कि ये मुझे कहाँ से मिल गया, बिल्कुल ना वहाँ से ना चल जाता है घर को। तो अभी प्रेजेंट ना वंगचिंग ना सर पकड़ने से वो ना बटन से था, तो मैंने अभी नर्स आती है फिर बोलते हैं कि आपका ना एक अपॉइंटमेंट है, तो आप ये अटेंड करके आप छोना तो जा सकते हो, बोलकर वो बोलती है। तो वंगचिंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है बुला दो, मुझे भी यहाँ से जाने का है, बोलकर बोलता है। तो वो नर्स ना ठीक है बोलकर वो ना भी बाहर जाते हैं, फिर बोलती है कि आप लोग अंदर आओ, बोलकर वो ना भी जाके वो ना भी वापस वंगचिंग के पास आके वो ना ठहर जाते हैं। तो यह ना भी जन को ना तब भी ना कॉल आया आंसर था, तो जिन से बोलता कि तुम दोनों जाओ मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल उन्हें भी साइड में चल जाते हैं। तो विंग ने भी शिंग शिंग को पकड़ के उन लोग ना अंदर जाते हैं। तो वंग सिंह ने भी विंग को देखता है, फिर वो ना भी टेबल के नीचे जाकर वो ना छुप जाता है। तो वो नर्स ना वंग सिंह को देख रही थी। वो यह ना भी सिंह सिंह ने भी विंग का हाथ पकड़ के ना बोल रही थी कि चलो मेरे साथ, यहाँ ना भी एक हैंडसम गग्गा रहते हैं, मैं ना तुमसे उसको मिलाऊंगा, तुम ना उससे शादी कर लो, बोल के उन्हें भी खींचते हुए उन्हें भी लगा दे। फिर देखती है, फिर नर्स को पूछती है कि हैंडसम गागा कहाँ है, बोल के उन्हें पूछते हैं। तो नर्स ना वंगचिंग को ना नीचे देख रही थी, तो वंगचिंग ने भी नीचे ना मुँह छुपा के उन्हें बैठन सा था। तो सिंग सिंग ना बोलती कि अरे हैंडसम गागा कहाँ है, बोल के उन्हें भी जाके उन्हें भी नर्स कहाँ देख रही है, वहाँ जाके उन्हें देखती है। तो विंग भी ना उसके पीछे पीछे वो भी ना आ गया था। तो वंगचिंग ना इतना साइलेंस हो गया, तो चले गए होंगे बोल के उन्हें भी उठ के देखता है, फिर सामने की तरफ दिखता है कि नहीं, बोल के उन्हें भी उठ के उन्हें बैठ के उन्हें भी उसके बाजू में राइट साइड में दिखता है, फिर उन्हें भी डर जाता है। विंग तो वंगचिंग को देख के उन्हें खुश हो जाता है। तो आज के लिए इतना। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि मुझे ना इस स्टोरी में ना हर एक पार्ट में ना 5 कमेंट्स आने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। और ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ना लास्ट पार्ट में ना थोड़ा बहुत मिस्टेक्स कर दिया, मुझे ना नामे ना बहुत ज़्यादा हो गए मेरे ब्रेन में, तो मुझे ना याद नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने ना एक एक चीज़ दबा दबा के मैंने ना कल कुछ ना कुछ बग दी थी, तो थोड़े प्लेसेस में मैंने ना नामा यहाँ वहाँ हो गया, तो इसके लिए सॉरी। और वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बोल दो कि आपका स्टोरी कैसा दिखा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।